नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच यूपी चुनाव 2022 से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए। तमाम बड़ी खबरों के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा बड़े सर्वे को भी लेकर हाजिर हुए। सोशल मीडिया पर यूपी चुनाव 2022 के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा सर्वे हुआ था। उस सर्वे में करीब 3 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया और 3 लाख व्यक्तियों ने किसकी सरकार बनाने के लिए वोट किया और किसको सबसे ज़्यादा वोट मिला, आज की इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि यूपी पंचायत चुनाव और यूपी चुनाव 2022 से पहले कौन सी पार्टी है सबसे ज़्यादा मजबूत और किस पार्टी पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वोट बैंक पर और किस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोटों का फायदा मिला है। अब बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को पूरे यूपी में फैलाइए। वीडियो बेशक थोड़ा लंबा होगा पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत भी होंगी। आइए हम आपको सभी खबरों को विस्तारपूर्वक समझाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा सवाल और उस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। सवाल ये है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती को दोनों को एक साथ आना चाहिए? ये सवाल हमने क्यों पूछा वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप अपनी कमेंट में राय देना, आना चाहिए इनको एक साथ या नहीं आना चाहिए। अब साधु एक सबसे ज़्यादा बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, यूपी चुनाव 2022 से पहले और यूपी जिला पंचायत चुनाव के बाद किन पार्टियों पर सबसे ज़्यादा वोट बैंक का प्रभाव पड़ा है और किन पार्टियों को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली है। साथियों, जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी के वोट पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, साथियों अब बहुजन समाज पार्टी के वोट पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ गया है। बहुजन समाज पार्टी का वोट काफ़ी ज़्यादा बड़े कई भागों में बट चुका है। साथियों, वो क्यों, हम आपको प्रूफ और तथ्यों के आधार पर दिखा रहे हैं एक स्क्रीनशॉट। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट देखिए, चैनल का नाम स्पष्ट आप पढ़ पा रहे होंगे, अम्बेडकराइज पीपल्स वॉइस। इस चैनल पर सबसे ज़्यादा जो खबरें चलाई जाती हैं वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी ही खबरें चलाई जाती हैं। फिर भी इसमें समाजवादी पार्टी 1,40,000 लोगों ने इस सर्वे में, इस जो ओपिनियन पोल में वोट किए 1,40,000 लोगों ने, करीब 63% यानी समाजवादी पार्टी इसमें सबसे ज़्यादा आगे नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी 13% और बीएसपी सिर्फ 20%। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गौर देने वाली बात है। अब सवाल खड़ा होता है, कैसे, किस पर प्रभाव पड़ा? बहुजन समाज पार्टी की सबसे ज़्यादा बड़ी खबर चलाने वाला, सबसे ज़्यादा खबर चलाने वाला अम्बेडकर पीपल्स वॉइस ये चैनल है और इस पर भी बहुजन समाज पार्टी काफ़ी ज़्यादा पीछे है, समाजवादी पार्टी आगे है। तो साथियों, इससे साफ अंदाज़ा लगाया जाता है इस चैनल से बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले जुड़े होंगे और बहुजन समाज पार्टी के चाहने वालों ने भी समाजवादी पार्टी को वोट कर डाला है, यानी कि इस सर्वे में जो एक्सिस वोट है। साथियों, ये प्रभाव इसीलिए पड़ा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को जो चाहने वाले हैं वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं आखिर किसकी तरफ जाएं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए यहाँ पर वोट कर चुके हैं। ये साथियों फिलहाल एक सोशल सर्वे, आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट पर प्रभाव पड़ा है, बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया है या नहीं, ये भी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने थंबनेल में तो ये लिखा था यूपी चुनाव 2022 से पहले हुआ कमाल, तो साथियों ये कमाल इसीलिए हो गया है। अगला स्क्रीनशॉट देखिए वो कैसे हो गया है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बनाएगी सरकार? साथियों, ये तो इसमें तो समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। एक और स्क्रीनशॉट आगे देखिए, आप लगातार स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे और इसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे इसमें क्या कुछ लिखा है। जो कुछ भी लिखा है वो आप भी पढ़िए, हम भी आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, क्या पंचायत चुनाव के नतीजों ने यूपी से 2022 में बीजेपी की विदाई तय कर दी है? साथियों, इसमें एक गौर देने वाली बात है, ये सवाल पूछा गया है कि पंचायत चुनाव के बाद यूपी चुनाव 2022 में क्या बीजेपी की विदाई तय है? तो साथियों, इसमें 3 ऑप्शन रखे गए थे, हाँ जाएगी, नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ये सब 3 ऑप्शन है। उसमें सबसे ज़्यादा करीब 1,70,000 लोगों ने इस पर वोट किए, 1,70,000 व्यक्तियों ने इस एग्जिट पोल में हिस्सा लिया, वोट करने में हिस्सा लिया, तो करीब 84% लोगों ने बोला कि हाँ भाजपा जाएगी और पंचायत चुनाव के बाद ये तय हो चुका है यूपी चुनाव 2022 में भाजपा जाएगी। तो साथियों, इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से अब
बदलाव हो रहा है, किस तरीके से यूपी चुनाव 2022 के बाद किन पार्टियों पर कितना प्रभाव पड़ा है। सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा है, क्योंकि किसान आंदोलन ने काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक पर घात लगाई है, काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक बिगाड़ा है, और RLD राष्ट्रीय लोकदल में काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली है। राष्ट्रीय लोकदल एक पल को तो ऐसा लगा बहुत ही ज़्यादा कम सीट, एक भी सीट भी नहीं निकाल पाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब राष्ट्रीय लोकदल में दोबारा से फिर से जान आ चुकी है और राष्ट्रीय लोकदल यूपी में काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है। समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है राष्ट्रीय लोकदल ने, और सबसे ज़्यादा फायदा जिस पार्टी को मिला है उसके नाम हम बता देते हैं, वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अगर तीन चार जो हमने पहले बताए तो उसमें अभी आगे थी, करीब 63%, 140,000 लोगों ने उस एग्जिट पोल में हिस्सा लिया था, उसमें 63% सबसे आगे समाजवादी पार्टी थी। उसमें सवाल ये पूछा था यूपी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बनाएगी सरकार, तो उसमें समाजवादी पार्टी का नाम सबसे पहले आया। आप भी कमेंट में बताना कि समाजवादी पार्टी क्या यूपी चुनाव 2022 में सरकार बना पाएगी। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी के बाद जिस पार्टी को नुकसान हुआ है वो है बहुजन समाज पार्टी। सच में बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रॉपर जो वोट बैंक था वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट हो चुका है। कुछ लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी का वोट सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का है, पर साथियों अब ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का वोट भी कट गया है। बहुजन समाज पार्टी के वोट में भी समाजवादी पार्टी ने सेंध लगा दी है। साथियों अब बात कर लेते हैं भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, और लगातार बोलते रहते हैं कि मैं बसपा से गठबंधन करने के लिए आज भी तैयार हूं, पर साथियों हम बता दें ज़्यादातर जो चांसेस हैं चंद्रशेखर आज़ाद के वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाने के हैं, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है बहुजन समाज पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है समाजवादी पार्टी को। साथियों जब ये बातें निकल कर आ जाती हैं तो जब नुकसान होता है तो काफ़ी ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज के व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले ये सोचने लगते हैं कि अब क्या हुआ, तो उनको एक काफ़ी ज़्यादा तसल्ली दिलाने के लिए एक ट्वीट होता है, बसपा के मित्रों आपको होश नहीं खोना है। यानी कि उनसे एक बात बोली जाती है कि बसपा चाहने वालों आपको होश नहीं खोना है, जोश में रहना है, अपने जोश में रहना है। जिस शिद्दत से आज बसपा की युवा माननीय बहन जी को यूपी पुणे 2022 यूपी की सत्ता सौंपने के लिए बेताब हैं, उतना जुनून मैंने 2007 के बाद आए देख रहे हैं, इस बरकरार रखना होगा। साथियों क्या आपको लगता है, युवा तो चाहते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है कि युवा चाहते हैं कि बसपा की सरकार बने, पर साथियों कुछ लोग नहीं चाहते कि बसपा की सरकार बने, जो BSP को ही ख़त्म करना चाहते हैं, BSP के ही जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों की वजह से ही बसपा सरकार नहीं आ पा रही है। और जो समाजवादी पार्टी ने जो सेंध लगाई है, जो बसपा का वोट बैंक पर प्रभाव पड़ा है, वो कभी नहीं पड़ता अगर ये लोग नहीं होते तो, वो सिर्फ ऐसे ही लोगों ऐसे ही दोगले लोगों की वजह से बसपा के वोट बैंक पर प्रभाव पड़ा है। आपको क्या लगता है वो आप अपने कमेंट में राय देना, हमने कई तथ्यों पर बातचीत की, आपको क्या लगता है वो आप अपनी कमेंट में राय देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए तो BMission TV चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम, जय भारत।